मंथली एक्सपायरी का वही वो yes. बड़ी बात है इस yes. और काफी सारे बड़े इवेंट्स भी हैं जैसे हम बात कर रहे थे वो, वो जैक्सन होल मीटिंग भी होने वाली है पच्चीस से सत्ताईस पच्चीस से 27 वहां से भी कुछ कमेंट्री आएगी बहुत सारा अमेरिका का डेटा भी आएगा उनके रिवाइज जीडीपी पे आने वाला बट थोड़ा बाजार समझाएं सर टेक्निकली तो हमने देखा वैसे तो बढ़िया सब चल रहा था बट बात चल रही है उसमें वो 200 हंड्रेड डीएमए क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं बाजार <laughs> दो तीन दिनों से ऊपरी स्तरों पर गिरावट रह हमारे बाजार में थोड़ा ऐसा एक्षा, एक्शन फ्राइडे का था हमारे बाजार का एक्शन समझता हूँ उससे पहले थोड़ा ग्लोबल मार्केट का सेटअप इस हफ्ते के लिए कैसा दिख रहा है और पिछले हफ्ते की थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद और डेटा हैवी वीक में क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कंसोलिडेशन थोड़ा करेक्शन आना लाजमी है और जिस तरह से एक तरफा अमेरिकी बाजार भागे हैं हमारे बाजार भागे पिछले दो महीने से बिना रुकावट बिना थकावट के दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं तो रुकेंगे राइट और सबसे बड़ी बात यह कि अब अगर आपके पास तेजी करने के कारण काफी है तो अब और ज्यादा बढ़ने के ज्यादा कारण भी नहीं क्योंकि आप बेस्ट के जो काफी हद तक डिस्काउंट करके चल रहे हैं यह अमेरिकी बाजारों की मैं बात कर रहा हूँ और उस हिसाब से एक तरफा तेजी वहां पर होती हुई दिखिए तो मेरा यह समझना है कि एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी बहुत टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन होगा और आप देखिए लाइफ टाइम हाई के पा, आसपास आप जब भी पहुंचेंगे कोई भी मार्केट लाइफ टाइम हाई पहली बार नहीं जब दूसरी बार पहुंचते हैं तो दूसरी बार में ना हमेशा ना कोई ना कोई, कोई फंसा हुआ तो है ना पहली बार वाला किसी ने तो अठारह पे खरीदा है करेक्ट तो जब अठारह आएगा और अगर गलती से वो होल्ड करके बैठा है तो वो तो निकलने की सोचेगा चाहे वो इंडेक्स हो या चा, चाहे कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई, हाई पर पहुंचे और अमेरिकी बाजार भी जब इतने खराब माहौल में दो महीने पहले कौन सोच सकता था कि इतनी तेजी हो जाएगी और जब इतनी तेजी हुई है तो काफी फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं जो हल्का होकर नीचे के लेवल का इंतजार करना चाहेंगे और वही होता हुआ दिख रहा है आ, मेरे ख्याल से जैक्सन हॉल की मीटिंग के बाद थोड़ा सा शायद बाजार और डायरेक्शन बड़े ट्रिगर के तौर पर लेने की कोशिश करे कि वहां पर जेरमी पावेल साहब किस तरह के बयान देते हैं किस तरह का भाषण देते हैं उसका विश्लेषण हम करेंगे बग्गा साहब भी होंगे देखिये उससे पहले आज हफ्ते की शुरुआत करने के लिए अमेरिकी बाजारों से संकेत नरमी के हैं दो तीन तरीके से पहले जब हम बंद हुए पौने 200 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे उसके मुकाबले में हम ज्यादा गिरे ने फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे थे उसके मुकाबले में हम पर भी ज्यादा गिरे तो कम, कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा हुई है इस कमजोरी के साथ साथ आज फिर से डाउ फ्यूचर सुबह से लाल निशान में हरे में नहीं है कोई ऐसी अच्छी रिकवरी के संकेत डाउ फ्यूचर्स नहीं दे रहे ठीक है डेढ़ सौ पौने दो नीचे थे वहां से सवा बस उतना ही है लेकिन है तीसरा एशिया जो है एक सिंगापुर को छोड़ दे जहां हमारा निफ्टी, निफ्टी ट्रेड होता है बाकी लगभग लगभग पूरा एशिया लाल निशान में आधा से एक परसेंट की रेंज में कमोबेश निकेई हांगकॉग ये सारे बाजार अच्छा अभी शंघाई ऊपर आया थोड़ा सा लेकिन बाकी बाजारों में हल्का फुल्का लाल निशान अच्छा रिकवरी की कोशिश कर अभी मैं अंदर आने के पहले जब केबिन में देख रहा था तब तो शंघाई हांगकॉग सब नीचे थे तो चलो बढ़िया है एशिया में हल्की फुल्की रिकवरी थोड़ी सी निचले स्तरों से दिख रही है ये दूसरा ट्रिगर अब आइए दो और ट्रिगर जिन पर आपको फोकस करना है एक है डॉलर इंडेक्स जो 108.50 के आसपास पहुंच चुका है ये उन्हीं लेवल के आसपास पहुंचा है जहां से आपने रिकवरी की शुरुआत देखी थी तो डॉलर इंडेक्स जिस तरह से कमजोर होता हुआ दिखा उसके साथ साथ इक्विटी मार्केट बढ़ते हुए दिखे वापस डॉलर इंडेक्स उन लेवल पर पहुंच गया जहां से आप लगभग बॉटम बनाकर आए थे तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है इक्विटी मार्केट के लिए कि डॉलर का बढ़ना डॉलर इंडेक्स का बढ़ना न इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है न कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छा है इसीलिए आप देख रहे हैं कमोडिटीज के दाम भी फिर से गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स एक नेगेटिव और वापस से आ, अमेरिका में बॉन्ड डील 3% पर आ चुके हैं सो so, ज्यादातर ट्रेगर्स अगर आज आप हफ्ते की शुरुआत करने के लिए देखेंगे ग्लोबल मार्केट से तो कमजोरी की तरफ है कोई एक भी ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है <coughs> जिसके वजह से आप दम लगाकर बोले कि ना ग्लोबल में ये बहुत बढ़िया बात है जिसकी वजह से खरीद लें करेक्ट सर तो वो 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 सपोर्ट नहीं है वो सपोर्ट नहीं है सपोर्ट नहीं उल्टा मतलब हल्का नेगेटिव ही है सपोर्ट छोड़ो नेगेटिव ही है ग्लोबल मार्केट so से जो जितने फैक्टर्स हैं, वो सारे नीचे की तरफ के दिख रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं है